औद्योगिक क्षेत्रों में लगने वाले जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय में किया गया। बैठक में उपायुक्त उद्योग रवि शर्मा, यातायात निरीक्षक अख्तियार अहमद अंसारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने औद्योगिक क्षेत्रों में लगने वाले जाम की समस्या से निजात के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की तथा बरगदवा तिराहे से औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए विशेष व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में जाम की स्थिति न उत्पन्न होने पावे और लोगों का आवागमन सुलभ और सरल हो सके। बताइए कि सर क्या प्लान हुआ उसमें? सर जो इंडस्ट्रियल एरिया है सर, उसमें मोरन गिट्टी अंदर रोड पर डाल देते थे सर। हम लोग पहले गए साहब के साथ, तो उसका पता नहीं लग पा रहा था कौन डालता है कौन नहीं। फिर वहाँ पर ट्रैक्टर जो खड़ा हुआ था, जो जिससे वो ले जाते थे, उस ट्रैक्टर ला के हमने यार्ड में खड़ा कर रखे हैं। उनको भी हम लोगों ने एंटीबायोटिक हटा भी लिए थे, उसके बाद फिर लगा लिए। दूसरा सर, गाड़ियाँ जो वहाँ खड़ी होती हैं लोडर वगैरह, अब सर लोडर सर ऐसे हम धर्मशाला से सर भगा यहाँ से जगह दे दी जाए। अभी जैसे की मांग क्या है, मांग क्या है यार, या और इतनी भारी वर्क मात्रा में गिट्टी गिर रही है कि जो उसमें जो 18 डायलॉग 20 डायलॉग जो आता है, जो रूट बना दे रहे हैं आप पीछे जो मसला है। दूसरा जो बेसिक जो थी पिछले 3 साल से चली आ रही है कि साहब, बरगदवा से जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है और राइस या फ्लोर मिल्स लगी हैं, और इनके जो कच्चे माल लाते हैं वो ट्रकें 10-12 हैं मुश्किल से दिन में। तो वो जिनके अपने वाहन हैं वो तो पास दिखा देंगे, पास उनका एक हो जाएगा कि हाँ साहब ये इनका पास है। और जिनके 10-12 वाहन आते हैं जो फ्लोर मिल्स के हैं कच्चे माल के लिए, उसको कोई ऐसी बिल्टी या कोई ऐसा बिल वो दिखा दे कि साहब ये इंडस्ट्री का ही है, तो कुछ भी मेरे इलाके तक और हमसे पहले इंडस्ट्री नहीं था जिसमें आप गए थे साहब, उससे 1 किलोमीटर आगे मेरा बस उसमें होता है। कुछ लोग अंदर आ जाते हैं इंडस्ट्रीज बस, तो जब नहीं ये वाइस में ध्यान देना है कि वो दिखाने का ये इंडस्ट्री है, इंपोर्ट संख्या ये, और प्लॉट नंबर ये इंडस्ट्री स्टेट या प्लॉट नंबर ये इंडस्ट्री एरिया बस।